आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर श्री, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री और इसी धरती के संतान सुरेश गोपी जी, जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना तब से मैं लगातार यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मददरूप हो सकते हैं उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिलकर के इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहां के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में
चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है, और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है, और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारता पूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी, और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। और आप कल्पना करें, वो डैम बहुत बड़ा था, मच्छू, वो पूरा पानी, और मोरबी एक शहर है, उसमें घुस गया और 10-10, 12-12 फीट पानी था पूरे शहर में। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी, और वो भी मिट्टी का डैम था, तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में, यानी उसको, मैं करीब 6 महीने वहां रहा था, एक वॉलेंटियर के रूप में उस समय मैं काम करता था। और मेरे मर के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती हैं, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलेंटियर के रूप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है, तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार के परिवार मड़ में बह रहे होंगे तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी। और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया है। तो मैं इन परिस्थिति को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जिसे डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बनकर के आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने स्वयं ने, मन मेरा भारी था क्योंकि, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा आने के कारण यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटी में कोई रुकावटें हो, लेकिन आज मैंने पूरे विस्तार से सारी चीजों को देखा है। और जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है तो निर्णय करने की भी सुविधा रहती है। और मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री की जैसी अपेक्षाएं हैं, सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद जी।